तो कल ISI 2008 क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन। ओके, ISI 2008 क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। आपको दे रखी है कि 25 बुक्स आर प्लेस्ड एट रैंडम ऑन अ सेल्फ। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर पेयर बुक्स विल बी ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। तो सपोज कि 25 क्या है, किताबें हैं, और इसको पेयर में रखना है। तो पेयर क्या होता है, दो 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 का पेयर होता है ना, इवन नंबर का, ठीक है। तो टोटल पेयर कितना होगा, 24 ही तो होगा, 24, ठीक है, 24। और जो एक रेस्ट बचेगा इसका तो कोई पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो 24 बुक का पेयर होगा। ओके, तो ये 24 बुक को हमको रखना है, ठीक है, पुट करना है। तो 24 बुक को 24 फैक्टोरियल वे से रख सकते हैं। ओके, 24 बुक को डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है, 25, दैट इज 25 फैक्टोरियल। ओके, सपोज कि मैंने दो किताब रखा, तो ये आपस में, ये बुक यहाँ गया, ये यहाँ पे, ये भी तो आपस में परम्यूट होगा, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2/25, 2/25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। गाइस सिंपल, 25 किताबें रखी है आपको सेल्फ में रखनी है, और कंडीशन है कि आपको बतानी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकुलर पेयर ऑफ बुक्स शैल बी ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। ऑलवेज टुगेदर होना चाहिए, तो टुगेदर कब होगी, दिस दिस दिस, मतलब ऑलवेज टुगेदर तो पेयर, ठीक है। तो 25, ये तो 25 बुक्स है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट जो है ना बुक, इसका कोई पेयर नहीं होगा, तो अप टिल 24 तक का ही जो है टुगेदर हम रख सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ बुक्स, पेयर ऑफ बुक्स ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। तो 24 तक तो हम रख सकते हैं, ठीक है, 2 2 का पेयर बना के, ठीक है। तो ये जो 25 है, ये लास्ट वाला का नहीं रख सकते हैं। तो ये 24 बुक को रखे कितने वे से, 24 फैक्टोरियल वे से, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है, ये मेरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या है, 25, और 25 को अगर पुट करना है तो दैट इज 25 फैक्टोरियल। बट ये जो बुक हम रखे ना सेल्फ में, तो ये भी तो परम्यूट हुआ, ये बुक यहाँ आ सकता है, फिर ये बुक यहाँ आ सकता है, तो इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2/15 आंसर आएगा आपको, सिंपल। ओके ओके, सो आपका आंसर ए होगा। डीएससी 2005 क्वेश्चन नंबर 17। ओके, डीएससी 2005 क्वेश्चन नंबर 17। सपोज टू डाइस आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल नंबर ऑफ स्पॉट ऑन द अपर फेसेस ऑफ द टू डाइस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5, ठीक है, जो कि डिविजिबल नहीं है 2 से, 3 से और 5 से। दो डाइस को आपको उछाले, तो सपोज 1, 2, 3, 5, 6, एक डाई, ये 2, 3, 4, 5, 6, सो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो नॉट, सो 6, 7, 8, 9,
8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है, मैक्सिमम 12 भी आ सकते हैं। ओके, ये आपका डाई नंबर वन, ये आपका डाई नंबर टू, दैट इज डी टू, दैट इज डी वन। ओके, आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ टोटल नंबर ऑफ स्पॉट, टोटल नंबर ऑफ स्पॉट ऑन द अपर फेसेस ऑफ द टू डाई इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 और 5, नॉट डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल नहीं है 2 से 3 से 5 से। तो कौन कौन नंबर जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा नंबर है जो 2, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है? 7 और 11, यही तो दो नंबर है जो 2, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7 की कितनी आएगी और 11 का कितना आएगा, बताओ, दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, 1 मिनट, गिव मी द आंसर। टू बाय नाइन, सिंपल। ठीक है गाइस, सिंपल। सपोज टू डाइसेस आर टॉस साइमल्टेनियसली, दो डाइसेस को, ये डाई वन है, ये डाई टू है, मैंने दो डाई को उछाला। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो होता है ना, उसी तरह से डाई टू, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दोनों की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, चाहे 1, 1 आएगी तो मेरे पास 2 होगा, या फिर 2, 1 होगा तो 3 होगा। तो इसी तरह से मैंने सारे पॉसिबिलिटीज का लिखा है यहाँ पे अप टिल 12, और आपको दे रखी है कि आपको ऐसी डाइस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि 2, 3, 5 से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, 2, 3, 5 से डिविजिबल नहीं है, तो कौन सा नंबर है इसमें से, इसमें से कौन सा नंबर है, 7 और 11, यही तो दो नंबर है ना। ठीक है, तो मुझे 7 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 7 गाइस, कितनी बार 7 अकर की है, 7 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 6 by 36 टोटल मेरा कितना है, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18। ठीक है, तो ये मेरा टोटल 36 है। तो 6 by 36 प्लस 11 कितना बार आ रहा है, 1, 2, 2 by 36। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 by 9 आएगा आपका आंसर। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। आपको ये डाई की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप दो डाई को उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो ठीक है, तो जब भी दो डाई का अगर सवाल आए तो पहले डाई वन को ऐसे लिखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैक्सिमम 6 ही आएगा। उसी तरह से डाई टू नीचे की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो सपोज डाई वन, सपोज कि मेरे पास डाई वन है, आपके पास डाई टू है, तो मैंने डाई वन उछाला, मेरा भी वन आया, आपका भी वन आया। ठीक है, तो दोनों का कितना होगा समेशन, 2। उसी तरह से 2 और 1, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फिल हो जाएगा और यहाँ पे 12 आएगा मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 12 भी तो आएगा ना, 6, 6, आपका 6, मेरा भी 6, तो 12 ही आएगा। बट आपको पूछा है कि तो प्रोबेबिलिटी 7 का और 11 का क्या है, तो 7 कितनी बार अकरेंस था, 6 बार, 6 by 36 प्लस 2 by 36, दैट इज 2 by 9। ठीक है, ओके, डीएससी 2005 क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये बेस थ्योरम पे बेस्ड है। द ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन डिजीज सक्सेसफुल्ली डिटेक्ट द डिजीज इन 99 आउट ऑफ द एवरी 100 पेशेंट। ठीक है, जितने भी पेशेंट हैं, सपोज कि 100 पेशेंट है, इस 100 पेशेंट में जो टेस्ट होती है, ब्लड टेस्ट, ठीक है, किसी भी डिजीज को चेक करने के लिए, ठीक है, और वो 99 जो है जो सक्सेसफुली डिटेक्ट करता है। ठीक है, 99,
आउट ऑफ द 100 हु एक्चुअली हैव द डिजीजेस, ठीक है, ओके, एक्चुअली हैव द डिजीजेस, जिसका बीमारी है, 100 में से 99% सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ बीमारी है, ठीक है, ओके, बट इट फॉल्सिफाई इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द डिजीज इन 1 out of 100 हेल्दी persons. और आपको गिवन है कि जो हेल्दी पर्सन है जिसे कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, और ये फॉल्स इंडिकेट दिखाता है डिजीज होने की 1 out of 100 हेल्दी पर्सन का, ओके, 1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज द डिजीजेस. सपोज कि अगर 1% अगर लोगों का डिजीज है, 1%, द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू अ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन, रैंडमली आपको सिलेक्ट करना है ऐसी टेस्ट को, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी हैज द डिजीजेस गिवन दैट हर टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ओके, तो आपको डिफाइन आपको निकालना क्या है कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है बट आपको डिजीज होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पूछी गई है, ओके, ठीक है, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि टेस्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट जो है पॉजिटिव है, ठीक है, और उसके एक्चुअली डिजीज है उसका, सो द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजीज गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आपको निकालना है, गॉट इट, ठीक है, क्वेश्चन आपको यही बोल रखा है, ठीक है गाइज, मैंने आपको बताया था कि अगर बेस थ्योरम आया तो मैंने पहले ही क्लास में आपको बता रखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यही होता है बेसिक बेस थ्योरम फॉर्मूला, ठीक है, ओके, तो मुझे क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज गिवन दैट कि वो पॉजिटिव है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन डिजीज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी गिवन डी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी गिवन डी कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट, ओके, एज ए बेस फॉर्मूला, ठीक है, ओके, आपको ये निकालनी है और इसका फॉर्मूला हमें पता है और ये आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है कि ओके गाइज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिजीज गिवन दैट द प्रॉब्लम कि वो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है गिवन दैट कि उसका डिजीजेस है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीजेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीजेस, ठीक है, तो क्या मैं यह लिख सकता हूँ कि दिस 99, ठीक है, 99 डिवाइडेड बाय 100, 99 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1/100 डिवाइडेड बाय 99/100 इनटू 100 प्लस, अब इसका कॉम्प्लीमेंट गाइस आपको निकालना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, तो मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा दिस पार्ट का कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज ए डिजीजेस, मतलब 99 लोगों का नहीं है, ठीक है, सो 99/100 इनटू द 1/100, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे
ये 100 100 तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड 99 डिवाइडेड बाय 99 प्लस 99 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 1/2। डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। थिंक अबाउट इट गाइस, जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस अगेन, रीड रीड द क्वेश्चन। गाइस बेस थ्योरम आपको आना चाहिए, बेस थ्योरम का बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है, मैंने वही लिखा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होता है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय द टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब एक बार बी अकरेंस एंड ए इज नॉट अकरेंस ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो गाइज वही तो मैं यहाँ पे लिखा है कि आपको निकालना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजीजेस दैट गिवन दैट कि वो पॉजिटिव है। ओके, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव गिवन दैट अ डिजीजेस, उसका डिजीजेस है गिवन दैट कि डिजीजेस है और वो 99 लोगों का जो है आउट ऑफ 100 जो है एक्यूरेटली जो है डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, कि उसका डिजीजेस है। ठीक है ना, तो दैट इज अ मीनिंग ना, कि दैट इज अ मीनिंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि ये डिजीजेस है। ठीक है, और ये क्या डिटेक्ट करता है कि प्रेजेंस ऑफ द डिटेक्ट द डिजीजेस सक्सेसफुल्ली डिटेक्ट द डिजीजेस इज 99 आउट ऑफ द 100। ठीक है, वो हैव द एक्चुअली द डिजीजेस। ओके, बट इट फॉल्सिफाई इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द डिजीज इज 1 आउट ऑफ द 100 हेल्दी पर्सन, 1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ डिजीजेस, 1% जो है पॉपुलेशन डिजीजेस है, 1% जो है मेरा पॉपुलेशन डिजीजेस है, कितना 1%, सो 1/100, 100 में से सिर्फ एक ही लोगों का जो है यहाँ पे गाइस गिवन है ना कि डिजीजेस है, दिस लाइन, या दिस लाइन कि 1% लोगों का ही डिजीजेस है, सो दैट इज 1/100। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज क्या हुआ, 1/100, और ये वाला क्या हुआ 99/100, ये वाला लाइन जस्ट रीड हियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक वही तो बोल रखा है कि डिजीजेस है बट ये डिटेक्ट करता है पॉजिटिव कितना 99, कितने में से 100 में से, तो 99/100 होगा ना, तो वही चीज़ तो मैं यहाँ पे लिखा है 99/100 इंटू 1/100 डिवाइडेड बाय, ये सेम चीज़ है तो सेम चीज़ यहाँ पे उतर गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिजीजेस, गाइस 1% का डिजीजेस है ना, 1% का डिजीजेस है तो नहीं है, डिजीजेस नहीं है, डी सी मतलब डी कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं है, एक का है टोटल 100 है तो 99/100 है ना डी सी, तो ये मेरा डी सी है 99/100 दिस। ओके, अब मुझे निकालनी कि डिजीजेस नहीं है बट ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है कितना 99/100, क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन है ना कि 1% जो है वन परसेंट जो है आपको हेल्दी लोगों का बताता है। ठीक है, जो नहीं है दैट इज 99/100। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे पुट किया हूँ, जस्ट इसको सॉल्व करना है तो 1/2 इसका आंसर आएगा। ओके, ओके गाइस, ये आना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन में भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ओके, सो डीएससी 2005 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20,
सेम, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे ही सेम है. देर आर थ्री आइडेंटिकल बॉक्सेस ईच विद टू ड्रॉअर. बॉक्स ए कंटेन अ गोल्ड कॉइन इन ईच ड्रॉअर. ठीक है, इन ईच ड्रॉअर सपोज जी फॉर गोल्ड. ओके, थ्री आइडेंटिकल बॉक्सेस, तीन आइडेंटिकल बॉक्सेस रखा हुआ है. ईच विद टू ड्रॉअर्स, हर एक का जो दो दो ड्रॉअर्स है. सपोज दिस इज बॉक्स ए, बॉक्स बी एंड बॉक्स सी. बॉक्स ए कंटेन अ गोल्ड कॉइन इन ईच ड्रॉअर. यहाँ पे कितना, दो ड्रॉअर है. ठीक है, और दो ड्रॉअर में दोनों गोल्ड गोल्ड रखा हुआ है. बी में भी दो ड्रॉअर है. ठीक है, ड्रॉअर्स है और इसमें सिल्वर रखी हुई है, इसमें सिल्वर सिल्वर रखी हुई है. सी कंटेन अ गोल्ड कॉइन इन वन ड्रॉअर एंड सिल्वर इन अनदर. तो सी के पास भी दो ड्रॉअर है लेकिन इसमें एक गोल्ड है और एक सिल्वर है. ओके, ए बॉक्स इज चूजन. एक बॉक्स को चूज किया जाता है, अ ड्रॉअर ओपेंड, और ड्रॉअर को खोला जाता है तो गोल्ड होनी चाहिए. ठीक है, अ बॉक्स इज चूजन कि मैंने एक बॉक्स, तीन बॉक्स था ए बी सी, मैंने उसको चूज किया, ओपन किया और गोल्ड निकला. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉक्स इज ए. अगर वो बॉक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ए की. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बताना है. मतलब कि क्वेश्चन आपको क्या बोल रखी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन ए, ए की क्या प्रोबेबिलिटी होगी गिवन दैट कि वो गोल्ड होनी चाहिए. इज इक्वल टू गाइज वही वाला फॉर्मूला, बेस थ्योरम. आप मुझे बताइए इसका आंसर कितना आएगा. मैं आपको फॉर्मूला भी लिख के देता हूँ. ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बोला, मतलब अदर देन ए, नॉट ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बताइए मुझे कोई भी फटाफट से. गाइस तीन बॉक्स दिया हुआ है, हर एक ड्रॉअर में ए में दोनों में गोल्ड है, दोनों ड्रॉअर में बी में जो है सिल्वर सिल्वर है. ठीक है, दोनों ड्रॉअर में, और सी में जो है एक में गोल्ड और सिल्वर है. और आपको जो है एक बॉक्स चूज करना है, ओपन करना है और उसमें गोल्ड गोल्ड जो है होनी चाहिए. तो बताइए कि उस बॉक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, वही चीज़ आपको पूछा जाएगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉक्स ए गिवन दैट कि उसमें गोल्ड होनी चाहिए. सिंपल, एवरीथिंग इज गिवन, जस्ट पुट द वैल्यूज, टेल मी व्हाट इज द आंसर. गाइस टेल मी व्हाट इज द आंसर. टेक अ वन मिनट, टू मिनट्स एंड गिव मी द आंसर. ओके गाइस, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स बी, बॉक्स सी, तो तीनों बॉक्स को अगर हम चूज करेंगे तो कितना, 1/3 प्रोबेबिलिटीज है ना तीनों बॉक्स की. ठीक है, तो 4/7. 4/7 नॉट, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग. सब चीज दिया हुआ है, बस आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन से खोज के आपको जैसे पुट करना है. सेम जैसे पिछले वाला किए थे ना, सेम डिट्टो वैसा ही है. डिट्टो गाइज, जस्ट कूल डाउन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन दैट कि वो मेरा बॉक्स 2/9. 2/9 नो 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 नो, बिल्कुल रॉन्ग.
जस्ट होल्ड ऑन गाइज, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इसको कंसीडर करते हैं, ये कौन सा बॉक्स ए के बारे में बात कर रही है ना, बॉक्स ए के बारे में, और बॉक्स ए में दो ड्रॉअर हैं गाइज, दोनों ड्रॉअर में गोल्ड गोल्ड रखा हुआ है। तो मुझे पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अगर मुझे गोल्ड चाहिए गिवन दैट ये मेरा बक्सा ये है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैं तो श्योर हूँ ना, क्योंकि दोनों में गोल्ड है, तो मैं अगर किसी एक को अगर निकालूंगा तो गोल्ड ही होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वन, दैट इज श्योर, वो श्योर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वन इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये मेरा प्रोबेबिलिटी, ये मेरा ए है, बी है, सी है, ठीक है, मुझे ए को चूज करना है, कितने में से, तीन में से, सो दैट इज वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय वन इन टू, ये जो सेम चीज है तो सेम यहाँ पे उतर जाता है, प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन दैट कि वो ए नहीं होनी चाहिए, ए नहीं होनी चाहिए, तो गोल्ड कहाँ है, सी में, सी में, ठीक है, तो अब आपको बॉक्स सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है, सी, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि सी, सी से वन बाई टू हो गया, वन बाई टू गाइस, अब यहाँ पे भी रॉन्ग, जस्ट यहाँ पे सी, गोल्ड कहाँ पे, ओनली सी में है, वन सेकेंड होल्ड ऑन, ओके ओके, टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन दैट सी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी गाइज, ये मेरी बॉक्स सी है, एक में गोल्ड है, एक में सिल्वर है, मैं उठाऊंगा, वन बाई टू सर, वन बाई टू, सिंपल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का क्या होगा, वन बाय थ्री, वही वही ए बी सी है ना, तो वन बाय थ्री, ए का बी का वन बाय थ्री, सी का वन बाय थ्री, सॉल्व दिस, कितना आ रहा है इसका आंसर, सॉल्व दिस, कितना आएगा, दिस इज टू सिंपल कैलकुलेशन, एनीवन टेल मी कितना इसका आंसर आ रहा है, इस कैलकुलेशन 2/3 सर, 2/3 जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको यूजीसी नेट जीआरएफ वगैरह में आईआईटी गेट वगैरह में आपको देखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चंस, और सी यू टी में भी मोस्ट चांसेस प्रोबेबिलिटी है कि वो आएगा इस टाइप के, कि ये ड्रॉअर है वगैरह वगैरह, ठीक है, क्योंकि इस बार सी यू टी में अच्छे इंस्टीट्यूट ऐड हुए हैं, लाइक आई जी आई डी आर, ठीक है, तो डी एस सी को पहले से ऐड है, फिर एस एन यू सी दादर गोखले, ठीक है, तो मे बी क्वेश्चन के लेवल थोड़ी सी टफ हो सकती है, ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ गाइस इस क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है, ओके गाइस, तीन बॉक्स है, ठीक है, ओके, तीन बॉक्स है, ये बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी, ए बी सी, ये मेरा बॉक्स सी है, ओके, ठीक है, और हर एक में दो दो ड्रॉअर है, ठीक है, सपोज कि कोई रखने वाला कोई ड्रॉअर है, जैसे होता है ना अलमारी में, ठीक है, अलमारी में होता है ना ड्रॉज, तो दैट इज ड्रॉअर, तो यहाँ पे भी दो ड्रॉअर है, सब में दो दो ड्रॉअर रखा हुआ है, ठीक है, ओके ओके, और आपको गिवन है कि ए में जो है गोल्ड है, यहाँ पे भी गोल्ड है, बी में सिल्वर है, ए इसमें भी सिल्वर है, और सी बॉक्स में जो है एक में गोल्ड है और एक में सिल्वर है, ओके ओके ठीक है, ओके, व्हाट हैपेंड, वेट मिनट,
ठीक है, तो हम लोगों ने बॉक्स बनाया था कि दैट इज बॉक्स ए, बॉक्स बी एंड बॉक्स सी, ए बी एंड सी, और एक दो दो ड्रॉअर था, ठीक है, इसमें गोल्ड, इसमें भी गोल्ड रखा हुआ है, इसमें सिल्वर, इसमें सिल्वर, एक में गोल्ड एक में सिल्वर रखा हुआ है। ओके गाइस, आप मुझे बताइए, ये मेरा तीन है ना, एक दो तीन, अगर मैं ये तीन में से किसी एक को अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। सपोज अगर मैं ए को सेलेक्ट अगर करूँगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना, 1/3। उसी तरह से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तीन रखा हुआ है, मैं अगर बी को अगर सेलेक्ट करूँगा तो बी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ वन, कितने में से, तीन में से, तो 1/3, सो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसी तरह से 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ओके, नो डाउट, ओके, ठीक है। बट मुझे गाइज यहाँ पे क्या निकालना है कि ठीक है, आपको यहाँ पे ये वाला लाइन आप अच्छे से पढ़े, ये वाला मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला लाइन कि अ बॉक्स इज चूजन, अ ड्रॉअर ओपेंड, आपने बॉक्स को चूज किया, ड्रॉ को ओपन किया और वो गोल्ड निकला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर उस बॉक्स को अगर चूज करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, ये आपको पूछा है। मतलब क्या है इसका कि गिवन दैट, ये हमको पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दैट इज अ पी, पी इज अ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कि उसमें गोल्ड है, गिवन दैट कि उसमें गोल्ड है, बट इस बॉक्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बॉक्स की क्या ए, और बॉक्स का नाम क्या है ए, सो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, यही तो हमसे पूछा है। और मैं इसका फॉर्मूला जानता हूँ कि ए बाय जी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डिवाइडेड गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय, ये सेम एज इट इज यहाँ पे उतरता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, और ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब अदर देन ए, ए को छोड़ के जिसमें गोल्ड हो, तो अदर देन छोड़ के गोल्ड किस में, सी में है, बी में तो सिल्वर है दोनों में, तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली क्या है, सी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, सी मतलब गोल्ड हो अदर देन ए, बस अदर देन ए किस में गोल्ड है गाइस, सी में है ना, तो इसका मतलब क्या है, सी, ओके, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो यहाँ पे मैं ओनली सी लिखूंगा, ठीक है, सी लिखूंगा, ओके, ठीक है। सो मेरा फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय जी, मैं फिर से एक बार लिखता हूँ ताकि आपको याद हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय सेम एज इट इज उतरता है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब हम डायरेक्ट सी लिखेंगे, मैंने रीजन बता दिया आपको कि क्यों सी लिखना है, सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ओके गाइज, अगर मैं आपको पूछूं कि गिवन है कि बॉक्स है, ओके, मैं इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ कि बॉक्स ए, और इसमें से अगर आप गोल्ड निकालोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गाइज दोनों में गोल्ड गोल्ड है ना, अगर आप अगर पिक किए उस बॉक्स से तो आप श्योर है, सर्टेन है आप, ठीक है, कि उसमें से गोल्ड ही आएगा, कि दोनों में गोल्ड ही है, सर्टेन है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फिक्स, दैट इज वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/3 डिवाइडेड बाय, ये तो सेम एज इट इज यहाँ पे उतरता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन दैट सी, मतलब कि मैं सी बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ये वाला बॉक्स, ठीक है, ओके ओके गाइस, इस एक में गोल्ड है एक में सिल्वर है, बट मुझे पूछा गया है कि मुझे बॉक्स सी चूज करना है, लेकिन गिवन दैट कि उसमें गोल्ड होनी चाहिए, ठीक है, तो मैं सपोज कि मैंने सी में बॉक्स के अंदर में हाथ अपना डाला, ठीक है, और उसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों है,
तो मैं जैसे वहां पे पिकअप करूंगा तो कुछ भी तो आ सकता है, गोल्ड भी आ सकता है, सिल्वर भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ, ठीक है, 1/2, 1/2, ठीक है। सो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, 1/3। सो 1/3 जस्ट इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर 2/3 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच करता है। और भी ऑप्शन है यहाँ पे बी सी डी, बट यहाँ पे आई थिंक यू ये नहीं हुआ है, ठीक है। ओके गाइज, इस क्वेश्चन में तो डाउट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस मेथड के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये वाला फॉर्मूला तो आप रट लो, याद कर लो, ठीक है, ये वाला आपको तो माइंड में एकदम याद होनी चाहिए। ओके गाइस, ट्राई दिस ISI 2017 क्वेश्चन नंबर 10। सो सिंपल, मैं तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं बोलूंगा, यू जस्ट डू दैट। सब चीज गाइस दिया हुआ है। ओके टेल मी द आंसर ऑफ दिस, सेम है बट ये कॉम्प्लीमेंट के टर्म में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अल्फा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि नॉट ए, अदर देन ए, अदर देन ए, ए नहीं, ए को छोड़ के, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए सी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अल्फा गिवेन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बीटा। ओके सो आपको बतानी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बीटा, ए इंटरसेक्शन बीटा। गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आपका अल्फा है, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला आपको पता है ना, ये तो बेसिक है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज अ बेसिक फॉर्मूला। तो मैं क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, अल्फा, सो 1 माइनस अल्फा। उसी तरह से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना ही है, बीटा, सो बीटा। गाइस अब तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये वाला फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जस्ट पुट इट। आपको ये इंटरसेक्शन बतानी है कितना होगा, फाइंड इट, टेक अ 1 मिनट एंड सॉल्व। सॉल्व इट गाइस, सब चीज गिवन है, आपको बताना है इसको इधर लेके जाओ, ये वाला पार्ट इधर और ये इसको इधर लेके जाओ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। जस्ट सॉल्व दिस, पुट द वैल्यूज, कितने आंसर आ रहा है बताओ। Anyone जो मुझे इसका आंसर बताए, गाइस सारा चीज दे रखा है, वैल्यू को पुट करना है। व्हाट इज द आंसर, टेल मी द आंसर। Guys, what happened? Everything is given. कितनी आंसर आ रही है?
वन माइनस अल्फा माइनस बीटा। वन माइनस अल्फा माइनस बीटा तो कौन सा है? सी आंसर। सिंपल। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गाइस अल्फा दे रखी है, बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटीज बीटा दे रखी है। ठीक है, मुझे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज क्या अल्फा, तो मुझे 1 माइनस अल्फा मालूम चल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी मुझे मालूम चल गया कि 1 माइनस बीटा। बट मुझे पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी इसकी वैल्यूज पूछी गई है, तो ये कहाँ से आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसको इधर लेके गए और ये यूनियन को उधर लेके गए, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस बीटा माइनस 1, मैक्सिमम 1 ही होगा ना, ए यूनियन बी टोटल प्रोबेबिलिटी 1, सो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, सो 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा और बीटा। ग्रेटर क्यों? क्योंकि लेस तो नहीं हो सकता ना, मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, मतलब इससे बड़ा ही होगा, सो दैट इज द सी आंसर, सो इजी। ओके, रीड इट। क्वेश्चन नंबर 15, ISI 2017, क्वेश्चन नंबर 15। मिस्टर ए इज सेलिंग अ राफेल टिकट्स, ठीक है, विच कॉस्ट ऑफ 1 रुपी पर टिकट। ओके ओके, और इन द क्यू ऑफ द टिकट्स फॉर द एन पीपल्स वन ऑफ देम हैज ओनली 2 रुपी कॉइन। ओके, सपोज गाइस, सपोज कि एक कोई सेलर है जो टिकट बेचता है, सपोज कि मूवी टिकट। ओके, सपोज कि ये कोई एक टिकट काउंटर है, सपोज दिस इज टिकट काउंटर। ओके, ये टिकट काउंटर है। ओके, नॉट दिस इज नॉट ए टिकट काउंटर, सपोज कि ये टिकट काउंटर है। ओके, सो ये टिकट काउंटर घर है। ओके, ये टिकट काउंटर, ठीक है। ओके, अब इस टिकट काउंटर के आगे जो है बहुत सारा आदमी लाइन लगा हुआ है, ठीक है, क्यों? टिकट लेने के लिए बहुत सारा आदमी पूरा लाइन से लगा हुआ है, ठीक है, अब टू बहुत सारे लोग यहाँ पे, एन कितनी है, एन। ओके, एन पीपल जो है लाइन पे लगा हुआ है। ओके ओके, सपोज कि ये टिकट मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं बेचना स्टार्ट किया टिकट, ठीक है, एन पीपल को, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हर एक टिकट का दाम 1 रुपी है, ठीक है, वन ऑफ देम, वन सेकेंड, वन ऑफ देम हैज ओनली 2 रुपी कॉइन व्हाइल ऑल रेस्ट हैव 1 रुपी कॉइन। या गाइस, ये जो आदमी है ना, ये जो एन पीपल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सबके पास 1 रुपया, मतलब एक के पास, सिर्फ एक, ये जो टोटल एन पीपल है,
इसमें से सिर्फ एक आदमी के पास 2 रुपया क्वाइन है और बाकी के पास 1-1 रुपया है, ठीक है, बाकी के पास 1-1 रुपया है, ओनली 1 रुपीज है, और इसमें से जो है एक आदमी ऐसा है जिसके पास 2 रुपया का क्वाइन है, ठीक है, और बाकी सबके पास 1-1 रुपया का क्वाइन है, ओके। ईच पर्सन इन द लाइन, जो लाइन है, वांट टू बाय एग्जैक्टली 1 टिकट, और ये जितने भी एन पीपल है ना, ये हर एक आदमी को 1-1 टिकट खरीदना है, ठीक है, 1 टिकट खरीदना है। इनिशियली मिस्टर ए मतलब यहाँ पे जो बैठा हुआ है, सपोज दिस इज मी, ठीक है, ए हैज नो क्वाइन, मतलब इसके पास छुट्टे नहीं है, ठीक है, ही हैज नो क्वाइन एंड इनफ टिकट फॉर एवरीवन इन द लाइन, ठीक है, इसके पास छुट्टे नहीं है। सपोज कि ये अगर जिसके पास 2 रुपया है, अगर ये अगर पहले अगर आ गया टिकट लेने के लिए, टिकट का दाम कितना है, 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपीज पर टिकट। ये अगर फर्स्ट वाला अगर आ गया, सपोज यहाँ पे अगर आ गया, ये अगर ये 2 रुपया वाला क्वाइन है, ये मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास तो छुट्टे हैं नहीं, तो फिर मैं नहीं बेच पाऊँगा ना टिकट, तो मतलब कि ये इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे आएगा तो चलेगा, यहाँ आएगा तो ठीक है, यहाँ आएगा तो मतलब इससे पीछे ही रहे, मतलब ये आगे नहीं आना चाहिए जिसके पास 2 रुपया वाला क्वाइन है, ठीक है, तो जो 1 वाला है ना, इसको यहाँ पे होना चाहिए। सपोज कि ये 1 वाला आदमी यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो 1 रुपया का क्वाइन ले लिया, इसको 1 रुपया दे दिया, इसके पास अब 1 रुपया आ गया, अगर, ठीक है, अगर सेकेंड में अगर ये 2 रुपया वाला आदमी अगर आता है, ठीक है, तो उसको तो छुट्टा मिल जाएगा, ठीक है, छुट्टा उसको मिल जाएगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो उसके पास 2 रुपया का क्वाइन है, उसको फर्स्ट में नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे कोई, ठीक है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे रहे नहीं, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं, बल्कि अदर देन दिस पोजीशन, ठीक है, कितने में से, एन में से, ठीक है, तो मतलब फर्स्ट पोजीशन का n-1 × और जो रेस्ट ऑफ द पीपल्स है, उसको हम n-1 factorial वे से अरेंज, मतलब परम्यूट करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल n फैक्टोरियल, सिंपल, गाइस रीड इट वंस, थिंक अबाउट इट। आप खुद सोचो कि जो जिसके पास 2 रुपीज क्वाइन है, अगर वो फर्स्ट में अगर आ जाएगा, ठीक है, और हम सेल कर रहे हैं टिकट प्राइस, तो मेरे पास 1 रुपये भी छुट्टा नहीं है, ठीक है, मेरे पास नो मनी, ठीक है, मनी नहीं है, तो अगर 2 रुपये वाले इंसान अगर फर्स्ट टाइम अगर मेरे पास आ गया भले ही, तो मेरे पास छुट्टा नहीं होगा ना, तो फिर मैं तो बेच ही नहीं पाऊँगा, ठीक है, तो ये जिसके पास 2 रुपीज क्वाइन है, मतलब वो यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है, और टोटल मेरी कितनी है, एन, ठीक है, ओके, तो मतलब ये फर्स्ट पोजीशन नहीं लेगा, कितना लेगा, अप टिल दिस पॉइंट -1, n-1, n-1, अब, ठीक है, अब इसको क्या करना, परम्यूट करना है ना, कि ये कहीं पे भी हो सकता है n-1, सो n-1 factorial डिवाइडेड बाय टोटल n फैक्टोरियल, वही तो मैंने किया है, इसको सॉल्व करो कितना आता है, n-1 × n-1 factorial डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, गिव मी द आंसर। n-1/n, ठीक है, सी जो करेक्ट आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था, बस आपको समझना थोड़ी सी लॉजिकल है, ठीक, सिंपल था गाइस, कि एक टिकट सेलर था, वो टिकट बेच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा आदमी है, एन, ठीक है, एन आदमी है, और एक आदमी के पास 2 रुपीज क्वाइन है, और ऑल रेस्ट ऑल
रेस्ट ऑल के पास एक एक रुपीज कॉइन है, ठीक है। तो मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो सारा सेल कर ले, ही कैन सेल द टिकट टू ऑल पीपल इन द लाइन, जो भी लाइन में खड़ी है सारे लोगों को टिकट मिल जानी चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर ये 2 रुपीज वाला अगर यहाँ आ जाएगा तो ये तो टिकट बेच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, इस पोजीशन में नहीं, टोटल मेरी एन है, एन पीपल है, मतलब एन पोजीशन है, बट इस पीपल को यहाँ आना होगा, यहाँ आना होगा, ये वाला नहीं। तो एन माइनस वन, ये एन माइनस वन कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है, ओके। बट अब इसको क्या करना है, परम्यूट कि एन माइनस वन पर इसको बैठा दूँ अब, ठीक है। तो ये एन माइनस वन पर इसको मैं बैठा दिया कि ठीक लो एन माइनस वन फैक्टोरियल में से डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल कितनी है, एन है, और एन को बैठा दो एन फैक्टोरियल, यही तो मैंने सिंपल किया, ओके। ऐसे 2016 क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे 2016 क्वेश्चन नंबर 5, सेम बेस थ्योरम फॉर्मूला, 3 कार्ड्स हैं, द फर्स्ट इज ग्रीन ऑन बोथ द साइड, 3 कार्ड है, सपोज 1 2 3, 3 कार्ड है और द फर्स्ट इज ग्रीन ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड ग्रीन ग्रीन है, ओके। द सेकेंड इज रेड ऑन बोथ द साइड, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी रेड, थर्ड में क्या है, गाइस सेम क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व दिस, थर्ड इज ग्रीन अनदर इज रेड, एक में ग्रीन है एक में रेड है, आई चूज कार्ड विद इक्वल प्रोबेबिलिटी देन अ साइड ऑफ द कार्ड विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, द साइड आई चूज कार्ड, अगर मैं चूज करूँगा तो वो कार्ड क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, गाइस सेम क्वेश्चन डिटो, गिव मी द आंसर, मतलब फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट चूज करूँ वन, दिस इज वन, गाइस सेम क्वेश्चन, कितना आंसर होगा बताइए, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। सेम क्वेश्चन मैंने पिछले ही जस्ट 3-4 स्लाइड पर ही किया था, सेम क्वेश्चन बॉक्स वाला याद है, ए बी सी ग्रीन ग्रीन, मतलब उसमें क्या था, गोल्ड 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 गोल्ड, सिल्वर सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, मुझे गोल्ड फाइंड करना है, वन चूज करना है, सेम क्वेश्चन, कितना आंसर था, गाइस इससे डिटेल में आई थिंक आपको नहीं समझ सकता, 2/3 सेम, सेम क्वेश्चन था, इतना टाइम लगता है बनाने में, सेम क्वेश्चन था ना, डिट्टो था, इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड सॉरी ग्रीन डिवाइडेड बाय फर्स्ट चूज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट चूज डिवाइडेड बाय probability of green given that a into probability of a plus probability of a given 1 complement into probability of 1 complement same to tha kya dikkat tha theek hai to 2/3 answer hai okay I won't solve main isko solve bilkul nahi karunga kyunki same question hai bas year अलग अलग है ठीक है आई थिंक मैं 2017-18 का था ओके सो
ऑगस्ट आईसी 2016 क्वेश्चन नंबर 21। अ बैग कंटेंट एन बॉल, सपोज कि ये बैग है, इसमें एन बॉल रखी हुई है, ओके, एन बॉल ऑफ विच ए आर रेड, और इसमें से एन में से टोटल एन बॉल है, इसमें से ए बॉल क्या है, रेड है, ए बॉल रेड है, ओके ओके। टू बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, मैं बैग में हाथ डाला और मैं दो बॉल को निकाला, ठीक है। टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, मतलब मैंने एक बॉल को जो उठा लिया फिर मैं अब उसको उस बॉक्स में नहीं रखूंगा, ओके। सो पी वन डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड, पी वन डिनोट कर रहा है क्या कि वो फर्स्ट बॉल जो आपका रेड होनी चाहिए, फर्स्ट बॉल आपका रेड होना चाहिए, फर्स्ट बॉल रेड, फर्स्ट बॉल रेड, सो फर्स्ट बॉल रेड, ए डिवाइडेड बाय एन, टोटल एन है और मुझे रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए, सो ए बाय एन, ओके, ये मेरा पी वन हो गया। पी टू क्या डिफाइन कर रहा है कि वो सेकेंड बॉल मेरा रेड होना चाहिए, सेकेंड बॉल, सेकेंड बॉल में जो उठाऊंगा ए रेड होनी चाहिए, मतलब कि ए रेड होनी चाहिए, ए रेड आएगा या फिर ए जो है क्या आ सकता है, एक रेड है और क्या है, या अदर देन रेड, सो दैट इज रेड कॉम्प्लीमेंट, अदर देन रेड कॉम्प्लीमेंट, अदर देन रेड कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो पी टू इज इक्वल टू फर्स्ट बॉल भी रेड है, सेकेंड फर्स्ट बॉल भी रेड और सेकेंड बॉल भी रेड, सो फर्स्ट बॉल रेड ए बाय एन इन टू, टोटल अब कितना हो गया एन माइनस वन ना, क्योंकि मैंने जो बॉल निकाल लिया अब मैं उसको रखूंगा नहीं, तो एन माइनस वन कितने में से, ए माइनस वन प्लस रेड कॉम्प्लीमेंट, मतलब रेड नहीं, तो टोटल एन है माइनस रेड डिवाइडेड बाय एन इन टू रेड, रेड कितना है ए डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, सॉल्व दिस कितना आता है, तो पी टू भी जो है जब उसको सॉल्व करोगे तो ई भी ए बाय एन आएगा, ठीक है, तो दोनों सेम सेम आएगा, ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइस एक बैग है, उस बैग में एन बॉल रखी हुई है, उस एन में से ए रेड बॉल है, ठीक है, ए रेड बॉल है और ए लेस देन एन है, ठीक है, ओके ओके। मुझे दो बॉल निकालना है, ठीक है, मुझे दो बॉल निकालना है, टोटल कितनी बॉल है एन, और इस एन में से सपोज कि दिस मच पार्ट ए, ठीक है, ए है और ए कौन सा कलर का है, रेड, और सपोज कि ये रेड नहीं है, ये कोई ब्लैक ग्रीन अलग कलर का है, ठीक है, सपोज कि ये मेरा ब्लैक कलर का है, सपोज ये मेरा ब्लैक कलर का है, टोटल गाइस एन है, ए पार्ट ए है, तो ए वाला पार्ट क्या होगा, एन माइनस ए होगा, ओके ओके, ठीक है। सो मुझे क्या बोला गया है कि P1, पहले एक कंडीशन है P1, ठीक है, कंडीशन है P1, P1 किसको डिनोट कर रहा है कि मेरा फर्स्ट बॉल रेड होनी चाहिए, फर्स्ट बॉल कि मैं फर्स्ट बॉल उठाऊंगा वो रेड ही होनी चाहिए, मतलब फिक्स है कि फर्स्ट बॉल रेड है, ओके, कितने में से, टोटल, टोटल कितना है N, और फर्स्ट मैं बॉल जैसे ही निकालूंगा वो मेरा रेड होनी चाहिए, और रेड कितनी है, ए ना, सो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, और ये कितनी है P1, सो ये आपका P1 निकला। उसी तरह से आपको P2 निकालना है, आपको सेकंड बॉल जो है गिवन, ओके, P2 आपको प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल आपका रेड होना ही चाहिए, फर्स्ट बॉल
चाहे आपका रेड आया हो या फिर रेड नहीं आया हो, सो रेड कॉम्प्लीमेंट और रेड ये तो फिक्स है, सेकेंड बॉल तो मेरा रेड ही आना चाहिए, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके तो दो ही पॉसिबिलिटीज होगा, ये तो मेरा फिक्स है, ये भी मेरा फिक्स है, तो यहाँ पे चाहे एक बार रेड आएगा या फिर एक बार रेड नहीं आएगा, अदर देन रेड आएगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ, अगर मैं इसको लिखूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड टोटल कितनी बॉल है एन, रेड और रेड कितना है ए इन टू। ओके अब मैंने जो बॉल निकाल लिया उसको नहीं रखना है तो माइनस हो जाएगा ना एन माइनस वन रेड। अब रेड मैंने एक यहाँ से निकाल लिया तो ए माइनस वन हो गया प्लस आर कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट ओके टोटल बॉल कितनी है एन, अदर देन आर, अदर देन आर क्या है एन माइनस ए, यहीं से मैं उठाऊंगा इसकी प्रोबेबिलिटी एन माइनस ए डिवाइडेड बाय इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर रेड की टोटल एन था, बट सपोज कि मैं यहाँ से एक बॉल उठा लिया तो बचा कितना एन माइनस वन आर, आर कितनी है ए, वही तो मैंने लिखा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बी टू का वैल्यूज क्या होगा जब उसको सॉल्व करोगे तो आपका ए बाय एन आएगा, ठीक है तो दोनों सेम सेम आएगा, ए वाला और ए वाला सेम आएगा, ठीक है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके थिंक अबाउट इट गाइस वन सेकंड। ओके सो तो आई सर 2016 क्वेश्चन नंबर 27 ओके इसको करते हैं, ठीक है उसको बाद में कर लेंगे, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। एक सर्कुलर वाला अब तक नहीं किए, सर्कुलर अरेंजमेंट वाला, जैसे गाइस थ्री मैरिड कपल है सिट डाउन एट अ राउंड टेबल, राउंड टेबल में जो सपोज जिस राउंड टेबल थ्री मैरिड कपल है एट विच देर आर सिक्स चेयर, ठीक है तीन मैरिड कपल और छह चेयर है। ओके ऑल ऑफ द पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द सिक्स पीपल्स आर इक्वली लाइकली, ठीक है इक्वली लाइकली का मतलब कि कोई भी इवेंट का मतलब जो सेम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है सेम प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली अगर द प्रोबेबिलिटी दैट ईच हस्बैंड सिट नेक्स्ट टू हिज वाइफ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी गाइस। थ्री मैरिड कपल है सपोज दिस इज वन टू एंड थर्ड, ये तीन मैरिड कपल है मतलब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, यहाँ भी हस्बैंड वाइफ है, यहाँ भी हस्बैंड वाइफ है ना मैरिड कपल। ओके छह आदमी है और छह चेयर है। ओके ऑल द पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ द सिक्स पीपल्स आर इक्वली लाइकली, ठीक है इक्वली लाइकली है। आपको पूछिए कि ये जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि ईच हस्बैंड सिट नेक्स्ट टू हिज वाइफ, ठीक है नेक्स्ट टू हिज वाइफ, टेल मी द आंसर गाइस। सपोज दिस इज कपल वन कपल टू एंड कपल थ्री, ठीक है कपल वन कपल टू कपल थ्री। ओके बट आपको निकालना क्या है कि नेक्स्ट टू हिज वाइफ, उसके वाइफ मतलब हस्बैंड वाइफ जो है एक साथ बैठे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आपको ये फाइंड आउट करनी है। अच्छा गाइस बताओ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एन माइनस वन होगा ना, एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल सर्कुलर में एन माइनस वन, एन माइनस वन का क्या होगा एन माइनस वन मतलब टोटल कितनी है सिक्स, सिक्स है दैट इज सिक्स माइनस वन फाइव, फाइव फैक्टोरियल। ओके थ्री मैरिड कपल है इसको अगर अरेंज करना है थ्री माइनस वन टू फैक्टोरियल इन टू, यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ, यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ, यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ, तो ये आपस में परम्यूट होगा
टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, सो टू इंटू टू इंटू टू, सो टू पे पावर क्यूब, कितना आएगा इसका आंसर? सॉल्व दिस, गाइस। टोटल अगर सर्कुलर में अरेंजमेंट होता है जैसे था ना, अगर वहाँ सपोज कि अगर मुझे लीनियर पे अगर बैठाना है किसी आदमी को, तो मैं अगर एन पीपल है तो मैं एन फैक्टोरियल वे से इसको सिटिंग अरेंजमेंट करूँगा, परम्यूट करूँगा, ठीक है ठीक है, अगर लीनियर होगा। लेकिन अगर सर्कुलर में होता है ना, तो यही एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाता है, तो वही चीज़ तो मैंने लिखा ना कि टोटल छः है, तो सिक्स माइनस वन फाइव, फाइव फैक्टोरियल लेकिन टोटल डिवाइडेड बाय, बट मुझे खोजना क्या है कि हर एक हस्बैंड वाइफ जो एक साथ आए, तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बना लिया कि दिस इज अ हस्बैंड मीन्स द कपल वन, कपल टू एंड कपल थ्री। सो अगर मैं इसको अरेंज करूँगा थ्री माइनस वन टू फैक्टोरियल इन टू, अब ये भी तो परम्यूट हो सकता है ना, ठीक है, सो टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, सो टू इंटू टू इंटू टू, टू टू पावर क्यूब, सॉल्व दिस, सो आपका टू बाय फिफ्टीन आंसर आएगा ए। टू बाय फिफ्टीन, सो सिंपल। ओके 14 नंबर करते हैं फॉर देम। ओके आई सेड 2012 क्वेश्चन नंबर 14, गाइस दिस इज सो इजी। ए फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन इज बॉय, एटलीस्ट वन इज बॉय, ठीक है। एक फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि जो दोनों चाइल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, दोनों बॉयज होनी चाहिए गिवन दैट कि एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, बॉय गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज, बॉयज बॉयज, यही तो होगा ना, गर्ल्स गर्ल्स तो नहीं होगा, दो है ना गाइस, दो की क्या होगी, बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज, बॉयज बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स तो नहीं होगा ना, गर्ल्स की तो बात ही नहीं की जा रही है, ठीक है ओके। सो इसमें से मुझे क्या सिलेक्ट करनी है, दोनों बॉयज हो, वन कितने में से, तीन में से, वन बाई थ्री, सी आंसर। ऐसे 2022 का सवाल था, वन लाइन, ओके सो इसका आंसर आपका सी होगा। सिंपल आपको पूछा है कि दो चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन है, बट मुझे निकालनी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, दोनों बॉयज हो लेकिन एटलीस्ट एक बॉय तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन बॉय। तो टू चिल्ड्रेन, अगर मैं इसकी टोटल कॉम्बिनेशन निकालूंगा, टू टू द पावर टू दैट इज फोर, तो चाहे बॉयज बॉयज आएगा, बॉयज गर्ल्स आएगा, या फिर गर्ल्स बॉयज आएगा, या फिर गर्ल्स गर्ल्स आएगा, बट मुझे क्या पूछा है, बोथ बॉयज हो लेकिन उसमें से एटलीस्ट वन बॉयज, एटलीस्ट वन बॉयज, तो बॉयज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे तो नहीं है, तो ये मेरा कॉल, ये मेरा खत्म हो गया, ये केस नहीं आएगा। बट अब इसमें से मुझे सिलेक्ट करना क्या है कि दोनों बॉयज हो, दैट इज वन डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है, थ्री, वन बाय थ्री, सिंपल, वन बाय थ्री, सो सिंपल, सो सिंपल गाइस। आईएसए 2022 क्वेश्चन नंबर 15, consider two boxes, one containing black ball or one white ball, the other containing two white ball and one black ball, a box is selected at random and a ball is selected at random from the selected box, what is the probability that the ball is black,
है, टू बॉक्सेस है, सपोज बॉक्स नंबर वन बॉक्स नंबर टू, वन कंटेनिंग ब्लैक बॉल एंड वन कंटेनिंग व्हाइट बॉल, तो मतलब इसमें ब्लैक ब्लैक है और इसमें आपका जो है सॉरी वन ब्लैक बॉल एंड वन व्हाइट बॉल ना, सो एक जो है मेरा ब्लैक बॉल है और एक जो है मेरा व्हाइट बॉल है, ओके और जो दूसरा बॉक्स है उसमें दो व्हाइट बॉल है, दो व्हाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल है, ओके अ बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सिलेक्टेड बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक, ठीक है, ये बॉक्स कोई भी बॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली, उसमें से बॉल को सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स से, तो आपको बतानी है कि मैं जो मीन्स कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बॉल जो है मेरी ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं इस केस की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट केस यहाँ पे जो है ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है, वन बाई टू इन टू वन बाई टू, उसी तरह से यहाँ पे आने की क्या प्रोबेबिलिटीज है, वन बाई टू इन टू वन बाई थ्री, सिंपल सॉल्व करेंगे कितना है, फाइव बाय ट्वेल्व, सी दिस अंडरस्टूड इट मींस, ओके गाइस, बॉक्स ए बॉक्स बी, सपोज बॉक्स वन बॉक्स टू, और बॉक्स वन में एक ब्लैक बॉल है एक व्हाइट बॉल है, बॉक्स टू में जो है दो व्हाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल है, ओके अब मुझे जो है बॉक्स को सिलेक्ट करना है, बॉक्स को सिलेक्ट करना है और रैंडमली गाइस ए वाला लाइन अच्छे से पढ़ना, अ बॉक्स इज सिलेक्टेड, ठीक है मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया रैंडमली एंड अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, बॉक्स को रैंडमली सिलेक्ट किया, बॉल को भी मैंने रैंडमली अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ फ्रॉम द सिलेक्टेड बॉक्स तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, एक क्या था ब्लैक बॉल था एक व्हाइट बॉल था, दूसरे में क्या था कि दो व्हाइट बॉल था वन ब्लैक बॉल था, ओके बट मुझे निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज ब्लैक, ठीक है बॉल की ब्लैक, सपोज कि मैं ये बॉक्स वन है ये बॉक्स टू है, मैंने रैंडमली इसको सिलेक्ट किया, रैंडमली सिलेक्ट किया, अगर मैं ए वाला को अगर मैं पिकअप किया, ठीक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन बाई टू, इसको अगर मैं पिकअप किया वन बाई टू, ठीक है प्लस अगर मैं बॉक्स टू को पिकअप किया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक बॉल नहीं है ना तो वन बाई थ्री इंटू इसको मैंने पिकअप किया दैट इज वन बाई टू, सिंपल सो आपका आंसर फाइव बाय ट्वेल्व है, ओके